जीएसीएस ने आज नई दिल्ली स्थित अम्बेडकर इंटरनेशनल में देश भर से आए कॉरपोरेट सेक्टर और इकोनॉमिस्ट सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का मकसद किस तरह से देश को आर्थिक और विकसित राष्ट्र बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। जीएसीएस के फाउंडर मेंबर का कहना है कि कॉरपोरेट सेक्टर भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए लगातार विचार विमर्श और चर्चाएं की जा रही हैं। इसमें कई कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें साइबर अटैक से बचने के उपाय के अलावा रोजगार बढ़ाने के उपाय और 2047 के विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या करना है, इसके साथ हम रोजगार कैसे बढ़े उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आज भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने में कॉरपोरेट सेक्टर की काफ़ी अहम भूमिका है। मेरा नाम अजीत पांडे है, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ जीएससीएस का। जीएससीएस ने आज एक यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर में जो बड़े बड़े अधिकारी काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर लाया जाए और ये मंथन हम कर रहे हैं कि इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, नंबर वन इकोनॉमी कैसे बन सकता है और इकोनॉमी को नंबर वन बनाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। तो उसमें हमारा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे मजबूती ले आया जाए, गवर्नमेंट के साथ हम कैसे कोलैबोरेट कर सकें अच्छे से, क्या क्या टैक्स के बेनिफिट्स कॉरपोरेट्स को चाहिए वो हम गवर्नमेंट, बहुत सारी हमारी चैप्टर्स हैं जो हम लोग टेकअप करते हैं गवर्नमेंट से और उस प्रकार हम ये मंथन करके सरकार को अपना फीडबैक देते हैं कि कॉरपोरेट को एक्चुअल अभी क्या चाहिए, स्टार्टअप में क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए, बड़ी इकॉनमी में क्या चाहिए। तो ये जितने भी लाइक माइंडेड के हमारे जीएससीएस में तकरीबन 2000 कंपनी के प्रतिनिधि हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं और बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और क्लोज टू 5000 कंपनी के आज प्रतिनिधि सारे सीनियर अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और वही हमारा आज कॉन्फ्रेंस चल रहा है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साइबर अटैक से बचने के लिए क्या करना है, इकॉनमी को बढ़ाने के लिए क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देश में अगले 10 साल में क्या विज़न होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो देश को आगे बढ़ाने में हमें मदद करेगा। सर 2047 तक विकसित भारत को बिल्कुल, उसमें हमारा एक आज विज़न डॉक्यूमेंट भी हम लोग रिलीज करेंगे जिसमें 2047 में कॉरपोरेट सेक्टर को क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा हम जनरेट कर सकें। देखिए विकसित भारत बनाने के लिए सबसे बड़ा है रोजगार, बिना रोजगार के आप विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपको जॉब्स चाहिए, जॉब्स के लिए कॉरपोरेट सेक्टर बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तो हम लोग वो भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे जॉब के भी चैप्टर्स हैं कि कैसे हम और रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी भी हम चर्चा करते रहते हैं। मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूँ जीएसीएस का। कपिल जी, सीएस जीएसीएस का क्या मेन उद्देश्य है और जिस तरह से कहा जाता है क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए आप लोग किस तरह से? जीएसीएस का उद्देश्य कॉरपोरेट वर्ल्ड को और जागरूक करना है। जो भारत का एक उद्देश्य है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, उस लार्जेस्ट इकोनॉमी को बनाने के लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए हम कॉरपोरेट जगत के लोगों को इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर चलने का प्रयास कर रहे हैं। सर सवाल ये है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन ले आने की योजना, इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कितना जोर दिया जाना चाहिए ताकि जल्दी से? इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण पिलर है हमारे देश की किसी भी ग्रोथ के, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ही आज एक भारत को तीसरे नज़रिए से देखा जा रहा है, जहां पर बाहर की बहुत सारी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं और बाहर की कंपनियां इन भारत की कंपनियों को बाकी बकायदा निमंत्रित करती हैं कि आकर के वहां पर काम करें। इस सेमिनार का उद्देश्य ये है कि कॉरपोरेट जगत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर जो लोग तैनात हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हों, उनको और किसी और तरीके से भारत के लोगों तक पहुंचाना। सर एक बार नाम बताइए। मेरा नाम कर्नल अशोक प्रभाकर है, मैं ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सर्विसेज जीएसीएस के साथ में पिछले 8 साल से जुड़ा हूं, मैं एक फाउंडिंग टीम मेंबर हूं। आज जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ये भारतवर्ष में जैसे देश पूरे संसार में आगे बढ़ता हुआ अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके साथ में उसी सिंक में चलते हुए जीएसीएस भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी ही हम अपने देश को थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी तरफ लेके जाएंगे, $5 ट्रिलियन इकॉनमी लेके जाएंगे, उसके अंदर ज़रूरी है कि कॉरपोरेट सर्विसेज भी अपनी कार्रवाई अपना उनके साथ में बढ़ के चलें। तो हम जीएसीएस के अंदर
जो कि हमारे देश के अंदर 13 चैप्टर हैं, इंटरनेशनल चैप्टर भी हैं, ग्लोबल चैप्टर हैं। तो हम सब के साथ में यह डिस्कशन करते हैं कि जो देश के अंदर प्रगति हो रही है उसको साथ में हम भी कैसे करें। आज हमने बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया है, डॉक्टर दीपक वोहरा जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं और भी इतने अच्छे स्पीकर हैं, इतने वक्ता हैं, उन्होंने कितना प्रोत्साहन किया स्पीकर्स का। डॉक्टर लुबिता लियाकत लुबिता जी यहाँ पर थी, उन्होंने आके हमारे साथ में डिस्कशन किया है। इस तरह हर एक जो स्पीकर आ रहे हैं अभी कैसे कैसे हम आगे इकॉनमी को बढ़ाएं, कैसे कैसे कॉर्पोरेट रियल एस्टेट के अंदर कार्रवाई करें ताकि आने वाले समय के अंदर भी हम उसके साथ साथ देश के साथ हम भी आगे बढ़ते रहें।